के नाते से मिलने में है संकोच जी, देखा देखा भी कहीं आपको है पर आता नहीं है याद मुझे। अपनी सीता को ढूंढ रहे सुध नहीं अभी तक पाई है धनियों के सब मददगार, निर्धनता कौन सुहाई है। हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं प्राणों पर, कर देंगे दुष्टहीन धरती आशा है अपने बाणों पर। पूछा तो हमने प्रकट किया, अन्यथा ना पूछना गवारा था। इस जग में सभी स्वार्थी हैं, कोई न किसी का होता है। हे विप, मेरा नाम राम है और यह मेरा अनुज लक्ष्मण है। महाराज हम वानर हैं, ब्राह्मण सखील का धोखा है। चल कर सुग्रीव से मिले जो कपि मंडल का नेता है। स्वामी हम सच्चे सेवक हैं, सेवा में प्राण लड़ाएंगे। जो काम आप करने आए हैं उसमें हाथ बटाएंगे, जीवन संपूर्ण लगा देंगे। माता का पता लगाने में, परिवार सुख का कर देंगे, स्वामी का कष्ट मिटाने में। हे नाथ मैं वायुपुत्र हनुमान हूं। सुबीर जी ने मुझे आपके पास भेजा है। सुबीर जी अपने भाई बाजी के अत्याचारों से पीड़ित हैं। आओ मैं उनको आपको उनके पास ले चलता हूं। इस प्रकार श्री हनुमान जी महाराज का भगवान कल्याण हुआ। और अब हनुमान जी महाराज भगवान को भी कंधे उठा रहे हैं। सब लोग हाथ ताली जय श्री राम। भगवान श्री रामचंद्र जी। हनुमान जी मुझे भी आपका परिचय कराइए। हे कविराज, आपका भय दूर हुआ। ये तीनों लोग के स्वामी हैं और इनसे मित्रता कीजिए। प्रभु प्रणाम। आज तेरे अहो भागी है जो आपके दर्शन हुए। जो सखा, अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सहयोग से मेरा संकट दूर हो जाएगा। प्रभु आप भी इस उदासी हालत में बन बन घूमने का कारण बताइए। हे महाराज सुग्रीव, कुशल से तो हो, यहां कब से रहते हो,
क्या कभी इस मार्ग से जनक नंदिनी को जाते हुए देखा है? हे नाथ, आप चिंतित ना हो, जनक नंदिनी अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। ठीक है कपिराज, मैं एक रोज मंत्रियों सहित बस इसी जगह पर बैठा था। इतने में नभ में दृष्टि गई, दैनी दृष्टि तक देखा था। भारत की त्रहो विमान एक भीकर कुछ आहे जारी थी, राक्षस के बस में पड़ी हुई, शायद वही चित्रा राजकुमारी थी। निश्चर के लोचन लाल ज्वाला फरसाते जाते थे, एक और पिघलते ने जल हरा बहाते जाते थे। बहुत दृष्टि बहुत करुणा, निश्चित ही हो सकता प्रभु। फिर स्वामी कहते कुछ आभूषण यहाँ फेंके हैं प्रभु। तब मेरी आंखों के सम्मुखी सीधा जगर बहुत सौर गया, रह गए कुंडलपुरी रस, दक्षिण ने दक्षिण खोल गया। यह आभूषण अवश्य ही जनक नंदिनी सीता के हैं। सीते भैया लक्ष्मण, जरा तुम भी न पहचानो, यह अवश्य ही जनक नंदिनी के आभूषण है। भ्राता, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं दो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की मुझे पहचान नहीं। पर नाथ सगुनिया अच्छा है, पर नाथ सगुनिया अच्छा है, चढ़ते हैं तीर समारोह पर, फिर दिन जरूर वो आएगा जो कुंडल होंगे कानों पर। कुंडल वाली वह देगा, कुंडल वाली वह देगा, इस बात की हरण करने वाले अब साक्षात होकर रहना, आते हैं हरण करने वाले। सत्यवती सीता किया है, सत्यवती सीता किया है, नाचेगी जिनके स्थान पर, दक्षिण दिशा को जाने वाले दक्षिण पर जाना पाओ पर। मैंने तो माता जी के पैरों के आभूषण देखे हैं, कुंडल की मुझे कोई पहचान नहीं है। उसी के भय से मैं डरा हुआ बस जान छुपा कर रहता हूँ, और सत्ता नहीं वहां साफ बस, इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। छोटी सी मेरी गलती पर रहता है सर्वदा तना वह, ये दिया राज पत्नी छीनी, अब मेरा काल बना वह। इन सात तार के वृक्षों को हे नाथ, इन सात तार के वृक्षों को जो एक बार से गिरा देगा, तक तक ने यह कह रखा है वह विजय बाजी पर आएगा। बस सखा, अब और अधिक न सुना जाता है, अब भुजा दंड को तोलती है, मालूम हमें होता है बाली के सर मौत बोलती है। हे सुग्रीव, यह राजपाट हम संध्या तक तुम्हें दिलवाएंगे, इन ताड़ के वृक्षों सहित उसको यमपुर पहुंचाएंगे।
हे सुग्रीव। तुम जाओ और बाली को युद्ध के लिए ललकारो, मैं उसे एक ही बाण से समाप्त कर दूंगा। हे नाथ, जाने को तो मैं जाता हूं, पर उसके बल का मुझे पूरा पता है। जो आपकी आज्ञा प्रभु, निर्भय रहो सुग्रीव। बताऊ तेरे को तेरी वीरता का पता। चला जा, चला जा, चला जा, चला जा, चला जा, चला जा, न जाने बकवास कर। अरे मेरी इज्जत का कुछ तो ख्याल कर। रे पक्षी में मिल जाए तेरी इज्जत और तू, इसी इज्जत से होगा तू आज पेश कर। बोले सवार क्या तुमने ही
तुमने ही मुझे मारा है। सचमुच सचमुच मेरे भाग्य बड़े। तो अब घर बैठे रघुनंदन पाए। भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। हे कपिराज, तुमने ही ऐसा वर मांगा था, प्रत्यक्ष न मारे जाओगे। सन्मुख लड़ने वाले का आधा बल तुम पाओगे। वरदान बड़ों का नष्ट करें, वरदान बड़ों का नष्ट करें, ऐसा ना स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं ख्यालों से हमने यह बाण आर से मारा है। सुरक्षा में प्रेम जय राम, प्रेम आपसे हो मेरा। जहां जहां चंदू में मेरे पुत्री अंगद का जो हमारे क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से 20-21 वर्षों से विधायक रहे, जिन्होंने हमारे क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ाया। मेरे को यहाँ पे जो प्रबंधन है इसका बहुत अच्छा लगा। जो मैनेजमेंट की हुई है काफी अच्छे ढंग से मैनेज किया हुआ है लोगों को, और लोग बड़े आराम से एंजॉय कर रहे हैं रामलीला का, बड़े आराम से देख रहे हैं, और पात्रों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और काफी अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है संस्था की ओर से, जिसके लिए मैं श्री रामलीला कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से लोगों को मैनेज किया हुआ है, और किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और सीटिंग अरेंजमेंट, पार्किंग और भी अच्छी व्यवस्था है। बहुत अच्छी रामलीला है, बहुत ही बढ़िया रामलीला है। यहाँ के जितने भी लोग वहाँ जा रहे हैं आसपास के, वहाँ सभी कह रहे हैं बहुत ही अच्छी रामलीला प्रोग्राम है। आसपास की रामलीला में भी गए होंगे। हाँ। और यहाँ की रामलीला में कितना अलग लगा आपको? यहाँ की ज्यादा बेटर है, वहाँ से वहाँ के अरेंजमेंट्स वगैरह इतने बेस्ट नहीं थे, यहाँ के अच्छे।